प्रदेश विधानसभा में दारा 118 और प्रदेश में होने वाली इन्वेस्टर मीट को लेकर चल रहे विवाद पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बयान दिया है। हमीरपुर में पूर्व सीएम धूमल ने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के दौरान भी दारा 118 से छेड़छाड़ की थी और अब इस मुद्दे को लेकर फिजूल में घमासान मचा रही है, क्योंकि प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि दारा 118 से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। वहीं इन्वेस्टर मीट को लेकर कांग्रेस के द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है, जो कि कतई सहन नहीं होगा। प्रदेश विधानसभा में दारा 118 और प्रदेश में होने वाली इन्वेस्टर मीट को लेकर चल रहे विवाद पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी बयान दिया है। हमीरपुर में पूर्व सीएम धूमल ने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के दौरान भी दारा 118 से छेड़छाड़ की थी और अब इस मुद्दे को लेकर फिजूल में घमासान मचा रही है, क्योंकि प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि दारा 118 से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। वहीं इन्वेस्टर मीट को लेकर कांग्रेस के द्वारा दुष्प्रचार किए जा रहे हैं, जो कि कतई सहन नहीं होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि दारा 118 पर प्रदेश सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, जिस पर कांग्रेस को टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। वहीं प्रदेश में होने वाले इन्वेस्टर मीट पर कांग्रेस दुष्प्रचार करने में जुटी है, जो कि ठीक बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री ने विधानसभा में स्पष्ट कर दिया है कि ना तो कोई प्रॉपर्टी बेची जा रही है और ना ही 118 में कोई संशोधन कर रहे हैं। याद रहे कि 118 में जितने संशोधन हुए हैं वो कांग्रेस सरकारों ने ही किए हैं, और भूमि ना बेचने के बारे में मुख्यमंत्री का स्पष्ट बयान आ गया है। बातों का उत्तर माननीय मुख्यमंत्री विधानसभा में दे चुके हैं। कांग्रेस केवल मात्र दुष्प्रचार कर रही है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।